देखते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और बोर मॉडल के अंदर ही किस तरीके से निकलेगी। ठीक, अब हम देखें तो बेसिकली आपका काइनेट वेलोसिटी का रिलेशन आपको पता है, वेलोसिटी ये वैल्यू यहाँ पे है। और कभी भी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का तो बहुत आसान है मामला है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी देखिए, थर्ड जो काइनेटिक एनर्जी की बात आएगी, काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 mv² वी का रिलेशन तो अभी अभी निकल के आया था, 2 मिनट पहले ही। ठीक है, वेलोसिटी का मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया आपका मास। इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता है, चाहे आप यहाँ से निकाल लीजिए 1.1/2 m, ये आपका 2.2×10⁶ z/n की पावर 2, ये था, हो गया होगा। इसमें शायद मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी चीज़, इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहते तो आप एक्सप्रेशन भी वहाँ से लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो ये हो गई। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी, ये एक थोड़ी ही नई चीज़ है तुम्हारे लिए, 11th के बच्चों का खासकर थोड़ा इसमें प्रॉब्लम ये आती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, देखो दो चार्ज पार्टिकल है, आपने MgH वाली पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ी होगी, कोई दो चार्ज पार्टिकल, जैसे कि यहाँ पे आपका ये कोई चार्ज Q1 है, यहाँ पे कोई भी चार्ज आपका Q, इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया R है, सेम चार्ज हो या अपोजिट चार्ज हो कोई मतलब नहीं, यदि इनके बीच में कोई भी चार्ज हुआ तो क्या होता है, ये चीज़ें एक दूसरे को क्या कर रही होगी, अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है। तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ऐसे लिखी जाती है, K, वही K कॉन्स्टेंट 9×10⁹, K Q1 Q2 / R, K Q1 Q2 / R। अपने वाले में क्या है, अपने वाले में एक पॉजिटिव चार्ज ZE है और एक है यहाँ पे माइनस E है, जिसका जो साइन है, जैसे फोर्स का साइन होता नहीं वही इसका साइन ये बताता है अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है, नेगेटिव में कब आएगी, जब ये चार्ज अपोजिट होंगे तो नेगेटिव में, उसका मतलब और अपोजिट होंगे चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम वही है कि यहाँ पे जो अपने वाले में केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी क्या आएगी, वो आपका KZe चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आर। माइनस आपको बता रहा है, ये आपका आ जाएगा माइनस KZe² / R, ये जो माइनस है नहीं, ये बता रहा है देर इज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। यदि आप पॉजिटिव होता तो आपका रिपल्सन हो रहा होता, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। आपको रेडियस निकालना आता ही है, इसका मतलब तो ये भी आ ही जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसका एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में कोई खास चीज़ नहीं है, आप यहाँ से उठा के पुट कर दीजिए तो भी आ जाएगा। इसका भी एक्सप्रेशन आप निकालना चाहते हो, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन स्क्वायर करके पुट कर दीजिए, ये है। यहाँ से एक और चीज़ देखिए, हम जो लगाते आ रहे हैं KZe² / R² that is equal to mv² / R, mv² / R, ये बोहर मॉडल का हम कॉन्सेप्ट जो लगाते आ रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा मैं ऐसा लिखता हूँ, KZe² / R लिखा जा सकता है, is equal to mv² / R, तो ये वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, ये जो वैल्यू है ये पोटेंशियल एनर्जी तो है, इस आर को उधर ले जाओ, इस आर को आप इधर लेके आए, कैंसिल आउट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी is equal to mv² और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, और ये नेगेटिव में होगी, ये भी खास बात है, इसमें आएगी नेगेटिव में होगी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में नेगेटिव में होता है, हम वहाँ पे इसको रिलेट नहीं करते क्योंकि फोर्स तो अपने से पूछा नहीं, जब भी जिस दिन फोर्स पूछेगा उस दिन साइन के साथ बताना पड़ेगा
हमने तो वेलोसिटी और रेडियस पूछी है जो कि नेगेटिव होती नहीं, माइनस एम वी स्क्वायर होगा। और काइनेटिक एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऊपर से बताया क्या है, माइनस वन बाई टू प्लस, क्या रिलेशन हुआ। अब टोटल एनर्जी का रिलेशन आपसे पूछा जाता है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर वन बाई टू एम वी स्क्वायर, ये माइनस एम वी स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा माइनस वन बाई टू एम वी स्क्वायर। यहां से क्या पता चला, एक तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टू टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फिर टू टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी, देख रहे नहीं, ये आपका टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कुछ नहीं है, टोटल एनर्जी इसी के तो बराबर है, ठीक है। एक्सप्रेशन निकालने हो तो एक्सप्रेशन निकालने में कोई भी बड़ी चीज नहीं है, आप रेडियस का एक्सप्रेशन पुट कर दीजिए पोटेंशियल एनर्जी में, बात खत्म। रेडियस का एक्सप्रेशन जब पुट करोगे उसमें क्या आएगा, एन स्क्वेयर अपन जेड आएगा, जेड ऊपर जाएगा, जेड स्क्वेयर अपन एन स्क्वेयर, बाकी सारी वैल्यू पुट करोगे तो वही माइनस 13.6 वाला एक्सप्रेशन आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। जूल में चाहते हैं जूल में आ जाएगा, किलो जूल में, कैलोरी में, किसी भी यूनिट में आप चाह सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये एक्सप्रेशन में कई बार आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछ लेता है कौन सा एक्सप्रेशन सही है, तो आपको ये एक्सप्रेशन निकालने आने चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का निकाल लो, टोटल एनर्जी का, किसी का भी निकाल दो, ठीक है। रेडियस और वेलोसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको रेडियस और वेलोसिटी का आता तो ये ऑटोमेटिक एक सेकंड में आ जाए, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट रेडियस, रेडियस निकालना सीख लो, रेडियस को पुट कर दो वेलोसिटी वाले, वेलोसिटी निकल आएगी, वेलोसिटी को पुट कर दो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल निकल जाएगी, टोटल एनर्जी निकल जाएगी, आपका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, जो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वो सब मैंने बताया, वो भी आपका निकल जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी वी अपॉन आर था, वी का एक्सप्रेशन पता, आर का एक्सप्रेशन पता, वहां से निकला, आप वहां से 2 पाई एफ लगा दोगे, टाइम पीरियड का रियल सबका एक्सप्रेशन आप निकाल सकते। देख तो क्या करना है, तो मैं सबके एक्सप्रेशन कॉपी में लिखना है एक पेज पे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड एक पेज पे लिख लेना, सुंदर सुंदर सबके एक्सप्रेशन और फॉर्मूले दोनों लिख लेना, एक एक्सप्रेशन फॉर्मूला लगाना, तो आपको फॉर्मूला ही है कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको लगाना तो यही चीज। तो अब देखिए इसमें कोई नई चीज़ है नहीं, तो जो आपको सिंपल सिंपल चीज़ें थी वो आपको पता। अब हम जो आगे पढ़ते हैं बोहर मॉडल के अंदर, तो ये सारी चीज़ें बोहर मॉडल ने बताई। फिजिक्स में तो तुम इसमें और भी चीज़ें पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड के थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लोगे, करंट भी निकालना सीख जाओगे, करंट कैसे निकालते हैं, एक चार्ज पार्टिकल चल रहा होगा, मैग्नेटिक करंट उसको बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एन आई ए के बराबर होता है, करंट जो निकालना है, करंट कैसे निकालोगे, तो सारी चीज़ें फिजिक्स में चले जाती हैं, अपने इसमें नहीं आए, ठीक। अब देखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या बोहर मॉडल की कोई भी लिमिटेशन नहीं थी। बोहर मॉडल हमने पढ़ा, हमने बोहर मॉडल पढ़ा है अपना जो सिलेबस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं उससे पहले के मॉडल काम के नहीं आएंगे, लेकिन वो हम बाद में पढ़ देंगे क्योंकि आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे। तो बोहर जो मॉडल है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लेकिन लिमिटेशन इसमें भी रही। लिखें लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट, जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट, जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट, जीमैन और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जीमैन और स्टार्क इफेक्ट ये क्या होता है, जीमैन इफेक्ट क्या है और स्टार्क इफेक्ट क्या है। देखो एक दो छोटी मोटी लिमिटेशन आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे, एनसीईआरटी में हर चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ना शुरू कर देना। होती क्या चीज, अपनी स्पेक्ट्रल लाइन थी हमने देखी, जैसे कि लाइमन सीरीज थी, बामर थी, कितने स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगी। जैसे कोई मान लिया फोर्थ से फर्स्ट में गया है तो उसमें तीन लाइमन की लाइनें निकलेंगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन ने फोर्थ से फर्स्ट में जंप किया तो आप देखोगे टोटल पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी निकलेंगी, छह लाइनें निकलेंगी, ठीक है, छह।
अब छह लाइनें निकलेंगी, लेमन की कितनी होंगी, बामर की कितनी होंगी, पासन की कितनी होंगी, ठीक है, 3 2 1 ये। अब ये लाइन है उसकी, जैसे तीन लाइनें हैं मान ले स्पेक्ट्रम पे आपको दिख रही है, एक ही लाइन थी, एक ही लाइन थी, एक ही लाइन थी, लेकिन इसके अलावा भी जब फाइन स्पेक्ट्रम भी देखा गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी की पावर बढ़ी, देखा गया इसके साइड में बहुत छोटी छोटी लाइनें और भी हैं, तो ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगा के देखा और ये आपकी स्पेक्ट्रल लाइन है, वो क्या हो गया, आपका स्पेक्ट्रल लाइन आपने देखा कि अच्छा छोटी छोटी स्पेक्ट्रल लाइन और भी है, तो स्प्लिट कर गई, तो स्प्लिटिंग और स्पेक्ट्रल लाइन जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बोहर मॉडल स्प्लिटिंग क्यों नहीं कर पाया, उसने बताया था जो एनर्जी का लेवल होता है वो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट का दूसरा नाम एनर्जी का लेवल है, उसने बोला था कि जैसे ये आपका न्यूक्लियस है तो ये N1 है, इसमें पूरे में एनर्जी बराबर है, N2 है, इसमें पूरे में एनर्जी बराबर है, दूसरे सर्कल में थोड़ा बहुत तुम्हें याद हो, ऑर्बिट के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें और भी आई, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, सुना भी होगा, नहीं सुना तो हम क्वांटम में आगे वही पढ़े, तो जीमैन क्या था, जीमैन इफेक्ट, जीमैन एक साइंटिस्ट, उसने बताया था स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रल लाइन आपका स्प्लिट कर गई, क्यों करके उसका रीजन तो आगे की थ्योरी देगी, ये नहीं बता पाया था, लगा के देखी थी ये आपकी जो लाइन थी इसके साइड में छोटी छोटी लाइनें और भी हैं और आपके हिसाब से तो होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि जब सेकंड से फर्स्ट पे या थर्ड से फर्स्ट पे आया तो उसकी एक फिक्स वेव लेंथ निकलती थी, उसी को क्वांटाइजेशन बोला गया था, स्टार इफेक्ट क्या था, स्प्लिटिंग ही था, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से भी कुछ दिक्कत आ रही है, तो ये था जीमैन एंड स्टार्क। दूसरा लिमिटेशन क्या है, वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए लगता है और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ये था, ठीक है, और भी लिमिटेशन है, एक दो थियोरिटिकल है वो आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट भी आया, बोहर मॉडल भी फेल हो गया तब तक, लेकिन एक बात आ गई, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, फिक्स एनर्जी लेवल होते हैं, उसके बाद एक क्वांटम मॉडल आया, और क्वांटम मॉडल 3-4 साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी थी और सभी को नोबेल प्राइज मिला, जिसमें तुमने नाम सुना एक हेजिनबर्ग साइंटिस्ट है, सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट उसको माना जाता है, उसने सिर्फ 12 पेज की थीसिस पे नोबेल प्राइज मिला था, PhD उसको मिली थी सिर्फ 12 पेज का। तो हेजिनबर्ग ने अपना प्रिंसिपल दिया था, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था और श्रोडिंगर एक मैथमेटिशियन था, उसने भी, और ये साइंटिस्टों ने उस टाइम पे काम किया है, जब तुम देखो 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, बहुत परेशान रहे उसके बाद भी उन्होंने थीसिस लिखी, तो पढ़ते हुए जब आप देखो तुम्हें लगे कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम्हें परेशानियां हैं, देखना ये साइंटिस्टों को एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री भागना पड़ा था और तब भी अपना काम इन्होंने जारी रखा, तो देखिए उसने भी इन्होंने करके रिसर्च करके नोबेल प्राइज तक जीत लिया, श्रोडिंगर ने भी अपना कंट्री छोड़ा था, हेजिनबर्ग भी अपना कंट्री छोड़ के गया था क्योंकि उनको प्रॉब्लम था हिटलर से, तो उन पर अटैक हो सकता था, तो वो सारी चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जब पढ़ते हुए तुम थोड़ा देखा करो, मोटिवेट हो इन चीज़ों से और तुम्हें भी ऐसी चीज़ें करने का थोड़ा बहुत मिले। क्वांटम मॉडल क्या चीज़ है, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम जिसे लाइट का ड्यूल नेचर था, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम बोलता है दुनिया का हर माइक्रो पार्टिकल, माइक्रो मतलब छोटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्ट एज वेव एज वेल एज पार्टिकल, वेव एज वेल एज पार्टिकल, दुनिया का कोई भी जो पार्टिकल होगा, जो भी माइक्रो पार्टिकल होगा वो हमेशा किसका काम करेगा, ड्यूल नेचर रखेगा, क्या नेचर रखेगा, ड्यूल नेचर। इसमें तीन कॉन्सेप्ट आए थे, सबसे पहले जो आया था वो था डी ब्रोगली, जिसको डी ब्रोगली भी बोलते हैं, ये साइंटिस्ट नेम है लेकिन उनके कंट्री का ही है, पहला नेम ऐसे लिखते हैं स्लैश करके बड़ा लिखा जाता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस,
डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सबसे पहले इसने किया। इसके बाद हेजिनबर्ग आया, हेजिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड लास्ट में आया श्रोडिंगर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को वेव माना था इसने और फिर ड्राइव किया था। ठीक है, ये चीजें थी। सबसे पहले हम बात करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने क्या कहा, बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्वांटम मॉडल इन तीनों को मिला के पढ़ता है। पहले हम तीनों पढ़ लें, क्वांटम तो अपने आप ही आ जाएगा। डी ब्रोगली ने क्या कहा, लिखिए, ऑल माइक्रो पार्टिकल हैव ड्यूअल नेचर, ऑल माइक्रो पार्टिकल हैव ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। द वेव फुल स्टॉप के बाद, द वेव एसोसिएटेड विद एनी पार्टिकल इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव, इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। किसी भी मैटर के साथ वेव होगी, डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। एंड द लेंथ ऑफ दिस वेव इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव लेंथ और डी ब्रोगली वेव लेंथ या मैटर वेव लेंथ। क्वेश्चन में भी यही आता है कि बता दिया आप डी ब्रोगली की वेव लेंथ जो कितना होगी, और इसने सिंपल बताया डी ब्रोगली। ये तो पूरे क्वांटम नहीं बताया है कि भाई जो ड्यूअल पार्टिकल है, माइक्रो पार्टिकल है, उनका ड्यूअल नेचर होता है। क्या होता है ड्यूअल नेचर, वो पार्टिकल भी है और वो वेव भी है। तो वेव है तो इसने बताया था कि यदि वेव है तो वेव लेंथ होगी, और वेव लेंथ होगी तो उसने वो वेव लेंथ निकाली। बहुत सिंपल तरीके से इसने वेव लेंथ निकाली कि वेव लेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन पी, हियर पी इज द मोमेंटम, पी क्या है मोमेंटम है, मोमेंटम जानते ही होगे, मोमेंटम फिजिक्स तुमने पढ़ ली होगी, एम वी मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी माइक्रो पार्टिकल के लिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, और ये ना कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेस के लिए, हर जगह के लिए वैलिड है। तो लेमडा जो है वो एच अपॉन एम वी होता है। एच की वैल्यू एच एफ प्लांक कॉन्स्टेंट और एस आई में पुट करना हमेशा, क्योंकि एस आई ही पता है अपने को और कोई पता भी नहीं है। 10^-34 जूल सेकेंड, चलो ठीक है। मास को किस में पुट करोगे, यहाँ मिस्टेक होती है, या एस आई में पुट किया तो ये भी एस आई में, ये भी एस आई में, और एस आई में ही निकलेगा। ठीक है, आप किसी बच्चे का मन करे, मान लिया काइनेटिक एनर्जी दी होती तो क्या करेंगे, इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, फॉर्मूला ही तो है। आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, एच अपॉन 2m ब्रैकेट में काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है, दैट इज 1/2mv2। यहाँ पुट करोगे 1/2mv2, यही तो आएगा काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल की हो, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट किया गया हो, जैसे कि हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ी थी, वो होती है क्यू इंटू वी, वी यहाँ पे है एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल वोल्टेज में आएगी। ठीक है, पोटेंशियल तो आप क्या लिख सकते हो भाई, लेमडा को आप एच अपॉन एम वी भी लिख सकते हो। लेमडा का दूसरा फॉर्मूला यदि आपको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी तो दे सकता, मर्जी है उसकी, आपको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दे दिया तो आप क्या कैसे लिखोगे, 2m क्यू इंटू वी। अब क्यू किसका लोगे, जिसको जिस पार्टिकल का निकालना, बोले इलेक्ट्रॉन की निकाली तो इलेक्ट्रॉन का पुट करोगे, प्रोटॉन का निकाली तो प्रोटॉन का पुट करोगे, अल्फा पार्टिकल का निकाली तो अल्फा का पुट करोगे। ठीक है, ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने का गैसीय स्टेट में भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, गैसीय स्टेट अपना चैप्टर, ये नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी निकालने का एक सिंपल तरीका ये भी होता है, 3/2 RT भी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है आपको इस फॉर्मूले से निकलवा के यहाँ पुट करके ये भी निकलवा लें, टेम्परेचर के साथ रिलेशन, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल दे तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, काइनेटिक एनर्जी दे तो ये लगाओगे, सिंपल मास इनटू वेलोसिटी दे तो ये लगाओगे, टेम्परेचर वाला रिलेशन देगा
तो आप इसमें ये पुट कर दो, एच अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह ये पुट कर दीजिए, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, 3mRT, ये है। तो ये आपका डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है। क्या कोई भी पार्टिकल चलेगा तो उसके साथ कोई वेवलेंथ चलेगी, और वेवलेंथ होगी तो वो वेवलेंथ की वैल्यू कैसे निकालोगे। देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें, टोटल 5 या 6 टाइप का क्वेश्चन। बोलेगा मास ये है, वेलोसिटी ये है, निकाल दिया। बोलेगा मास ये है, काइनेटिक एनर्जी ये है। बोलेगा अल्फा पार्टिकल है और एक्सेलरेटेड पोटेंशियल ये है। बोलेगा इस टेम्परेचर पे इस मास का है, वेवलेंथ निकाले, तो निकाल दो, बहुत सिंपल है, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन रेशियो पूछेगा। बोलेगा दो पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी से जो चीज सेम दी जाए वो वाला फॉर्मूला लगाओ। बोलेगा काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ। कैसे लगाते हैं एक क्वेश्चन में करके आपको पहले बताता हूँ, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम देखते हैं, ठीक। फॉर्मूले आपको बता दिए, बहुत सिंपल सिंपल है, ठीक। कर लोगे इस पर तो न्यूमेरिकल इस पर हम करते हैं।